श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है और शिक्षा की देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया एक छोटा सा उपाय है जो हमको बसंत पंचमी के दिन जरूर करना है। और इसमें पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है कि 31 सरसों के फूल आपको लेने हैं और शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब कई लोग का सवाल है कि हमें सरसों के फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप क्या करें। तो आप देखिए, पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया उपाय में तो सिर्फ आपको सरसों के फूल का ही वर्णन किया गया है कि सरसों के फूल अर्पित करना है। लेकिन आपको अगर सरसों के फूल नहीं मिल पाते हैं तो आप भोलेनाथ को अपने मन से जो भी 31 वस्तुएं अर्पित करेंगे, जैसे कि 31 अक्षत के दाने या फिर 31 जो भी आपको वाइट कलर के फूल मिल जाएं, सफ़ेद फूल मिल जाएं, आकाओं के फूल मिल जाएं या कोई भी फूल मिल जाते हैं तो उन्हें भी समर्पित करेंगे। तो आप पूरी निष्ठा श्रद्धा से अगर यह उपाय कर लेते हैं तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप सरसों के फूल को अर्पित करने से वो फल मिलता है। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। सरसों के फूल ना मिले तो आप कोई भी पुष्प अर्पित कीजिए। अगर कोई भी पुष्प नहीं मिल रहा है तो सिर्फ 31 आप अक्षत के दाने ही समर्पित कर दीजिए। इससे आपको बहुत जल्द लाभ मिलेगा। और पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए बहुत से ऐसे उपाय हैं जो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, उन उपायों को भी अवश्य देखिएगा। आपके जीवन की समस्याओं का समाधान उन उपायों के जरिए मिल सकता है। तो दर्शकों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुँचाइए ताकि और भी लोगों को इन उपायों की जानकारी प्राप्त हो। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।